जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने धनंजय सिंह के रास्ते बंद करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि इसके पहले कयास लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह अथवा उनके परिवार से कोई सदस्य जौनपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी अथवा किसी अन्य दल से ताल ठोक सकता है। हालांकि कल ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी का ऐलान करके इन कयासों पर विराम लगा दिया। इसके बाद जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष यानी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके जौनपुर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक उठापटक होती रहती है, इसे होने दें। उनका लक्ष्य सिर्फ लोकसभा 73 यानी जौनपुर है। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी भी धनंजय सिंह के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि जौनपुर में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल के अपहरण और रंगदारी के मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। धनंजय सिंह जेल में बंद हैं। आगामी 24 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है। समर्थकों को उम्मीद है कि आने वाली तारीख में धनंजय सिंह को कोर्ट से राहत मिल सकती है। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो धनंजय सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं मिलती तो उनकी पत्नी यानी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह अथवा धनंजय के पिता राजदेव सिंह जौनपुर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीएसपी अभी अपने प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी से धनंजय का परिवार चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर बीएसपी मौका देती है तो उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। अब देखना होगा कि बीएसपी अपने किस उम्मीदवार को जौनपुर से चुनावी मैदान में उतारती है। कल अम्बेडकर जयंती थी। धनंजय की पत्नी श्रीकला सिंह अपने समर्थकों के साथ जौनपुर के दर्जनों कार्यक्रमों में शरीक हुई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्हें बाबा साहब के कानून पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं धनंजय का परिवार अब बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जौनपुर से किस उम्मीदवार पर दांव लगाती हैं। एक बात तो साफ है कि जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा दोनों को अंतर्कलह का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बीएसपी यदि किसी मजबूत कैंडिडेट पर दांव लगाती है तो उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि धनंजय सिंह को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, उनके परिवार से इस बार लोकसभा चुनाव में दावेदारी कौन करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।